हेलो गाइस, आई एम शहजाद अहमद फ्रॉम शेक्सजी डॉट कॉम एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 47। आज हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से आप जो है वो डेटाबेस में इंसर्ट करवाएंगे चीज़ें, या किस तरीके से जो है वो डेटाबेस को यूज़ करेंगे यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच एंड योर रिलेशनल डेटाबेस अप्रोच एंड यूजिंग ORM टूल। तो कोई इसमें कुछ भी नहीं है, हम ऐसा करते हैं बिकॉज हम अपने आने वाले लेक्चर्स में कुछ डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करने जा रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं एक कंट्रोलर बना लेते हैं अपने कंट्रोलर्स के अंदर। एक कंट्रोलर, मेक श्योर कंट्रोलर एक क्लास ही होती है, तो हम क्लास बनाते हैं एक और उसे हमेशा कंट्रोलर को रखा जाता है कंट्रोलर्स के अंदर, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं माई डेटाबेसिस के नाम से एक बनाते हैं कंट्रोलर, माई डेटाबेस, या आप कह लें कि ओके माई डेटाबेस ही कर लेते हैं, माई डेटाबेस के नाम से। मेक श्योर हम क्लास बना रहे हैं माई डेटाबेस के नाम से, माई डेटाबेस डॉट PHP लगाने की आपको जरूरत नहीं है। मेक श्योर माई का एम जो है वो कैपिटल होगा हमेशा जब भी आप क्लास बनाएंगे, तो ये रूल है। तो आपका माई डेटाबेस एक के नाम से क्लास बनी और ये एक्सटेंड्स कर रही है किसको, सी आई कंट्रोलर को। मेक श्योर कंट्रोलर बना आपका, एंड हम ऐसा करते हैं एक जो है वो फंक्शन बनाते हैं पब्लिक फंक्शन और उसका नाम रखते हैं इंडेक्स, एंड मेक श्योर इंडेक्स ही रन करता है हमेशा, और हम इसे कहते हैं वर्किंग। बहरहाल वापस जाएंगे और एनवायरनमेंट में यहां पे लिखते हैं माय डेटाबेस, रिफ्रेश, वर्किंग, माय डेटाबेस इज वर्किंग। सो योर कंट्रोल इज नाउ वर्किंग, एंड अब हम क्या करते हैं, अब हम क्यूरीज रन करवाते हैं। पहली बात codeigniter.com, हम डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं और 3.0, मेक श्योर 2.0 उनका लेगेसी है डेटाबेस रेफरेंसेस, एंड देन हम जाते हैं यहां पे क्यूरी बिल्डर है हमारे पास, ठीक है। पहली बात ये कि क्यूरी हेल्पर्स भी कुछ हैं उनके पास, क्यूरी हेल्पर्स, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग ए क्यूरी, क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए उनके पास कुछ क्यूरी हेल्पर्स हैं, अफेक्ट रोज, कितनी रोज अफेक्ट हुई, लास्ट क्यूरी, और जो है वो काउंट ऑल, हम बाद में जो है इनके बारे में देखते हैं जो है वो देखेंगे, बट फिलहाल के लिए हम जो है वो क्यूरी बिल्डर पर फोकस करते हैं। तो क्यूरी बिल्डर क्या काम करता है, codeigniter गिव यू एक्सेस ए क्यूरी बिल्डर क्लास, दिस पैटर्न अलाउज इन्फॉर्मेशन टू बी रिट्रीव इंस्टेड एंड अपडेटिंग एंड इन यूर डेटाबेस विथ मिनिमम स्क्रिप्टिंग, ठीक है। तो मिनिमम स्क्रिप्टिंग को लेके आप जो है वो अपने कोड को रन करवा सकते हैं। मेक श्योर इसके लिए जो है आपको सबसे पहले जो है डेटाबेस को ऑटोलोड पे रखना पड़ेगा, डेटाबेस की लाइब्रेरी को ऑटोलोड पे रखना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि हमने एक जो है वो मेक श्योर शेक्सजी codeigniter के नाम से हमने एक जो है वो टेबल तो बनाया था, मीन्स डेटाबेस तो बनाया था हमने, टेबल कोई नहीं बनाया था। तो हम ऐसा करते हैं कि SQL योग ओपन करते हैं, मेक श्योर मैं SQL योग ही यूज करूंगा जो है अपने इस एनवायरनमेंट के लिए, बिकॉज मुझे थोड़ा सा जो है MySQL जो है वो ऑड लगता है, PHP MyAdmin जो है वो ऑड लगता है, मेक श्योर MySQL एक डेटाबेस ही है। तो वर्क्स विथ MySQL कनेक्ट, हम लोकल एनवायरनमेंट में जो है वो कनेक्टेड है, हमने शेक्सजी codeigniter के नाम से एक जो है वो डेटाबेस बनाया था, कोई टेबल एग्जिस्ट नहीं करती। हम टेबल के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट टेबल, ठीक है, टेबल का नेम देंगे, फॉर सपोज मैं यहाँ पे नाम देता हूँ यूजर्स, ठीक है। उसके बाद में मैं एक जो है UID बनाता हूँ इंटीजर, एंड 200 लेंथ, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, एंड मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम, और मैं कहता हूँ वारचार 50 रखते हैं, और इसे भी मैं कहता हूँ नॉट नल, एंड मैं कहता हूँ लास्ट नेम, मेक श्योर मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ कि फर्स्ट का फर्स्ट एंड नेम का एन जो है वो कैपिटल है, तो आप ये थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, वारचार एंड बैट बॉय 50, और मैं कहता हूँ जो है वो यू डेट, मीन्स डेट एंड टाइम रखते हैं, वो कब जो है वो उसका रिकॉर्ड कब जो है हमारे पास आया, चारों जो है वो रिक्वायर्ड है, फिलहाल के लिए हम चारों रखते हैं। बहरहाल हम ऐसा करते हैं, ईमेल भी रख लेते हैं, ईमेल
यू ईमेल, या हम सिंपल ईमेल ही कह लेते हैं स्मॉल लेटर्स में। और ईमेल जो है वो वारचार कितना हो सकता है, 100 हो सकता है, बार ये हम रिक्वायर्ड नहीं रखते, ठीक है। और पासवर्ड भी हम रिक्वायर्ड नहीं रखते फिलहाल के लिए। तो पासवर्ड जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, पासवर्ड जो है वो हम ऐसा करते हैं 200 कैरेक्टर, बिकॉज ये इनक्रिप्टेड होता है। क्लिक सेव करते हैं, तो आपका एक जो है वो टेबल बन चुका है। तो ये देखें, एक टेबल आपका बन चुका है, लेकिन उसके अंदर डेटा कोई भी नहीं है। एक टेबल बना, डेटा कोई भी नहीं। हम ऐसा करते हैं कि इसके अंदर डेटा खुद रखते हैं। क्या रखते हैं? शहजाद अहमद, और डेटा हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ओके। एंड ईमेल वगैरह कुछ भी नहीं रखते फिलहाल के लिए। हम इसे सेव करते हैं, वापस रिफ्रेश, तो वर्किंग आपकी हो रही है। मेक श्योर आपने जो है डेटाबेस की लाइब्रेरी कॉन्फिग के अंदर ऑटोलोड भी रखी हुई है। अगर वहां पे नहीं रखी हुई तो आप जहां पर डेटाबेस को यूज करेंगे वहां पे आप यूज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, हमने पहली बात यह है कि हमने अपना जो है एक टेबल बनाया। आप कंट्रोलर के अंदर हैं हम, ठीक है। अब हम डेटाबेस पे वर्क करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक मॉडल भी चाहिए हमें। तो मॉडल के अंदर आने के बाद मॉड होम के नाम से एक मॉडल है हमारे पास, ठीक है। इसको हम मॉडल पूरा नीचे, ताकि आपको बाद में कोडिंग मिल सके। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन, और मैं कहता हूँ गेट ऑल यूजर्स। मेक श्योर आप जो है वो कैपिटल लेटर्स का ख्याल कीजिएगा, गेट ऑल यूजर्स। यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ दिस डीबी, और मैं कहता हूँ गेट, और जस्ट मैं यहाँ पे आने के बाद मैं लिखता हूँ यूजर्स, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है? पहली बात ये है कि दिस डे भी हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज आपने कॉन्फिग ऑटोलोड्स डेटाबेस की लाइब्रेरी को ऑटोलोड पे रखा हुआ है, इसी वजह से हम कह रहे हैं। जो ऑटोलोड पे डेटाबेस की लाइब्रेरी है उसका एक मेथड है गेट, क्या करे, यूजर्स को लेके आ जाए। कौन से यूजर्स? मेक श्योर ये मैपिंग हो रही है आपकी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ORM टूल क्या करता है, मैप करवाता है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीजों को जो रिलेशनल डेटाबेस के साथ। तो यहाँ पे ये मैपिंग हो रही है, हालांकि आप देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी क्लास है, ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट है। तो ये मैप करवा रहा है किसके साथ? टेबल के साथ। मेक श्योर टेबल का नेम जो है वो मैच करना चाहिए आपके टेबल के नेम से। तो ये यूजर्स के नाम से आपने जो है वो टेबल रखा हुआ है। अब हम इसे कहते हैं रिटर्न, मेक श्योर। तो यहां पे मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि रिटर्न क्या करता है, बहरहाल बहुत बेसिक्स है। तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, क्यूरी चली, रिटर्न होगी वैल्यू, और रिटर्न वैल्यू कहां होगी? जहां पे ये फंक्शन कॉल होगा। बहरहाल हमने इसको ऑटो लोड पे जो है वो नहीं रखा हुआ अभी तक, तो हम यहां पे यूज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे लोड करवा लेते हैं मॉडल को, दिस लोड, और मैं कहता हूं मॉडल, कौन सा मॉडल भाई, मॉड होम के नाम से एक मॉडल है, उसे लोड करवा दो। वापस रिफ्रेश, कोई एरर नहीं, दैट मींस आपका मॉडल लोड हो चुका है। तो ये आपका मॉडल लोड हुआ। अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं जब ये मॉडल लोड हो जाए, तो जब ये मॉडल लोड हो जाए तो उसका ये वाला मेथड मैं कॉल करवाऊंगा। कैसे? दिस मॉड होम गेट ऑल यूजर्स, ठीक है। और जैसे ही ये मेथड कॉल हुआ, तो हम इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देते हैं, क्या, ऑल यूजर्स। एक वेरिएबल बनाया ऑल यूजर्स के नाम से, और हम वार डम करवा लेते हैं। वापस रिफ्रेश, ओके, वार डंप होता है, वार डंप, ठीक है, इसी वजह से वार डंप। क्लिक अनडिफाइंड मॉड होम, मॉड होम, तो ये मॉड
MODHONE, ओके वापस रिफ्रेश। अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बहरहाल। तो इसका एम जो है वो कैपिटल है बहरहाल, इसी वजह से जो है ये वो हो रहा था बहरहाल। ये तो हमने यहाँ पे लोड करवाया, हम ऐसा करते हैं इसको लोड करवा देते हैं कहाँ पे, अगर आप लोड करवाएंगे इसको ऑटो लोड। बहरहाल फिलहाल के लिए आपका काम हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो है कुछ डेटा मिल रहा है। ये देखिए कुछ चीजें आपके पास आ रही हैं। अब ये आपके पास पहली बात यह है कि पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, दूसरी बात यह है कि उस जो है वो कनेक्शन आईडी क्या है, उसकी अफेक्ट कितनी रोज अफेक्ट हुई है आपकी, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन क्या है आपकी, MySQL क्या है आपका, आईडी क्या है उसकी, जो है एरर नंबर क्या है, जो है वो कनेक्ट एरर क्या है, तो ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट देता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मुझे जो है वो रिजल्ट दे, तो वापस जाके मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये मुझे जो है रिजल्ट देगा। तो देखें एक एरे आपको मिल रहा है, एरे के अंदर पूरा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो देखें आईडी क्या नाम है, फर्स्ट फर्स्ट नेम क्या है शहजाद, लास्ट नेम क्या है अहमद, ड्यू डेट क्या है डेट, एंड ईमेल, और दोनों चीजें जो है वो नल रखी हुई हैं। तो एग्जांपल आपने देखी तो देखें शहजाद अहमद, तो यहां पे मैप कैसे हो रही है चीजें, पहली बात ये है। तो हमने एक मॉडल बनाया दिस डीबी गेट किया, गेट एक फंक्शन है, एक मेथड है डेटाबेस की लाइब्रेरी का जो हमने ऑटो लोड पे रखी हुई है, ठीक है। तो जब आप यहां पे आएंगे तो एक्टिव रिकॉर्ड्स के अंदर देखें दिस डीबी गेट, तो ये हम यूज कर रहे हैं मेथड, क्या कहता है, रन द सिलेक्शन क्यूरी एंड रिटर्न्स द रिजल्ट्स कैन बी यूज्ड बाय इटसेल्फ टू रिट्रीव ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल्स। तो ये जो है वो पूरे ये ऐसे ही है जैसे आप जो है वो उसके अंदर लिखते थे एसक्यूएल, एसक्यूएल के अंदर सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम यूजर्स, तो ये कुछ इस तरीके से जो है वो बता रहा है कि ये मेथड ये वाला काम कर रहा है, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप इतना कोड लिखें, आप जस्ट गेट करवाएं और उसे बता दें कि भाई ये वाला जो है वो टेबल है, तो वो खुद ही मैप करेगा। तो इसी वजह से जो है वो ORM टूल का जो है वो कॉन्सेप्ट है, ताकि आपकी जिंदगी जो है वो आसान हो जाए। तो यहाँ पे अलॉट ऑफ मेथड्स अवेलेबल हेयर एंड वी कैन एग्जीक्यूट ईच एंड एवरी मेथड, ठीक है। तो हम बाद में देखेंगे कि कैसे हम जो है वो डेटाबेस के रेफरेंस को यूज करते हैं, पूरे का पूरे रेफरेंस को, एंड हम कैसे जो है वो चीज़ों को मैनेज करते हैं। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही, आई होप आप हमारी सीरीज को एंजॉय करें। अगर आप वाकई हमारी सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं, थम्स अप, हमें सब्सक्राइब करवाएं हमारे ऑफिशियल चैनल पे, एंड हमें ज्वाइन करें हमारे सोशल नेटवर्क पे, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।